अर्थ पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जी हां, आईएसजी कृष्णैया की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। बिहार सरकार के नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की गई है। इस याचिका में रिहाई के नियमों में बदलाव का आदेश रद्द करने की मांग है। 27 अप्रैल को जेल से रिहा हुए हैं आनंद मोहन और ये मामला बढ़ता ही जा रहा है, गर्माता जा रहा है। सियासत काफी ज्यादा हो रही है इस मामले को लेकर के। अब आपको बता दें कि आईएसजी कृष्णैया की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। बिहार सरकार के नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग है। ज्यादा जानकारी लिए हमारे साथ संवाददाता आदित्य जुड़ गए हैं। आदित्य, देखिए आनंद मोहन की रिहाई सीएम नीतीश के गले की फांस बनती जा रही है और ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। आईएसजी कृष्णैया की पत्नी याचिका दायर की है। देखिए लक्ष्मी जी, कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है जिसमें उन्होंने मांग की है कि जो बिहार सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके जो नियम में संशोधन किया था और उसके बाद आनंद मोहन सहित जो 27 लोगों की रिहाई हुई थी उसके खिलाफ, आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर किए हैं और बिहार सरकार जो नियम परिवर्तन किया है उसके खिलाफ उन्होंने अपील दायर करते हुए कहा है कि बिहार सरकार ने जो नियम में बदलाव करते हुए आनंद मोहन को रिहा किया है उसको तत्काल सुप्रीम कोर्ट स्थगित करे, क्योंकि जिस तरीके से जी कृष्णैया की हत्या हुई थी उसमें उमा कृष्णैया का यही कहना है कि उनकी संलिप्तता थी और उनको अभी तक बिहार सरकार की तरफ से जस्टिस नहीं मिला। हालांकि उमा कृष्णैया पहले बोली भी थी कि आनंद मोहन का जो परिवार है वो बाहुबली का परिवार है और वो बहुत साधारण से परिवार से आते हैं इसीलिए ऐसे बाहुबलियों के साथ नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन आज उन्होंने जो अपने उनके वकील हैं अलका वर्मा उनके थ्रू सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और बिहार सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त की है कि आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और आनंद मोहन की जो रिहाई हुई है तत्काल उसको रद्द करके उनको फिर से जेल भेजा जाए। आदित्य, देखिए ये जो आनंद मोहन की रिहाई हुई है इस मामले पर लगभग पूरा प्रदेश ही सरकार पर सवाल उठा रहा है कि एक दुर्दांत अपराधी और उसके साथ में कई और लोगों को छोड़ना, इधर उमा कृष्णैया जी की जो पत्नी है उनका भी यही कहना था कि जो दुर्दांत अपराधी है उसको पहले तो फांसी की सजा होती है लेकिन सजा को पहले बदल दिया जाता है और उम्र कैद में, और अब उसी कैदी को रिहा कर दिया जाता है, ये सरासर गलत है। देखिए लक्ष्मी, पूरे बिहार में सियासत गर्म हो गई जिस जैसे ही सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके नियम में जो बदलाव किया था और जब आनंद मोहन को रिहा किया गया और उसके फैसले के खिलाफ लगातार बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं वो नीतीश कुमार और महागठबंधन की सरकार को घेर रहे हैं। सुशील कुमार मोदी हों या तमाम बीजेपी के नेता हों, उनका साफ तौर पर कहना है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए नीतीश कुमार ने आनंद मोहन की रिहाई की है, जबकि नीतीश कुमार कल खुद मीडिया के सामने में आए और उन्होंने कहा कि यही सुशील कुमार मोदी हैं, यही बीजेपी के नेता हैं जो कभी आनंद मोहन की रिहाई की मांग करते थे, 2 महीने पहले तक आनंद मोहन की रिहाई की मांग करते थे और आज जब आनंद मोहन सहित 27 लोगों को छोड़ा गया है उसके बाद से बीजेपी सियासत कर रही है, क्योंकि आनंद मोहन का जो परिवार है वो राजनीतिक परिवार है। आनंद मोहन खुद सांसद रह चुके हैं 2-2 बार, उनकी पत्नी सांसद रह चुकी है, बेटे भी सांसद विधायक हैं अभी, तो बीजेपी सिर्फ आनंद मोहन के बहाने सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है, लेकिन बिहार सरकार खुद चीफ सेक्रेटरी जस्टिफाई कर चुके हैं, नीतीश कुमार आगे आकर के बोल चुके हैं कि ये जो कानून था जिस कानून का बदलाव किया गया वो पूरे देश में सिर्फ एकमात्र बिहार में ये कानून था, इसी यही कारण है कि इस कानून को हटाया गया है ताकि हत्या का जो भी मामला बनता है वो आईएएस की हत्या हो या आम आदमी की हत्या हो इसमें 2 रंग की नीति नहीं अपनाई जा सकती है, और चूंकि ये कानून सिर्फ बिहार में लागू था इसीलिए इसको हटाया गया है और परिहार कमेटी के जो अनुशंसा हुई है के आधार पर आनंद मोहन सहित 27 लोगों को छोड़ा गया है। इससे पहले भी बहुत सारे 22 बार ऐसे परिहार कमेटी का अनुशंसा हुआ है जिसमें बहुत सारे लोगों को छोड़ा गया था, तो बिहार की सियासत गर्म हो गया है, लेकिन आनंद मोहन की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती है जिस तरीके से उमा कृष्णैया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और मांग की है कि आनंद मोहन की रिहाई रद्द किया जाए, तो एक बार आनंद मोहन की रिहाई पर एक बार फिर से संशय उठने शुरू हो गए हैं। ठीक है, बने रहिए, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे।